सिख चैनल देख रही सारिया संगतां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज पिंड हसनपुर च बैठे जिथे कि भाई अमृतपाल सिंह जी जो पिंड हसनपुर की टेंकी दे चढ़े सन वो 9 तरीक नूं जो उतरे सन उन्होंने नाल गलबात करांगे। सब तो पहला उन्होंने नाल फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब तुसीं अज शाम नूं जिदा 7:30 पौने 8 बजे तुसीं टेंकी ते उतरे ते तुहाडा जिहड़ा संगतां ने बहुत ज़्यादा सगावत कीता ते बापू जी ने भी जो उन्होंने अपना जल पानी छड़ता सी ते तुसीं हुण संगतां नूं की कहना चाहुंदे? सिख चैनल वेख रही सारी संगत नूं फतेह अर्ज करदे आं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला जो 7 जून नूं सवेरे संघर्ष कमेटी दे वलों लुधियाणा तो फिरोजपुर रोड ते चक्का जाम किया जाना सी और हसनपुर वाले मेन बस अड्डे ते जो संगतां वल्लों पानी वाली छबील लाई गई सी सवेरे तकरीबन 7 बजे उत्थे प्रशासन ने आके आप शब्द बोले और संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवालिया दे पोस्टर लगे हुए सी। बापू सूरत सिंह जी खालसा उन्हां दे वड्डे पोस्टर लगे हुए सन और उन्होंने मुलाजमान ने आके वो पोस्टर पाड़ दिते अते उत्थे सिंघां नूं कहता कि तुसीं इत्थों चले जाओ की ठग ठगा चलाया होया है। और जदों उत्थों उन्होंने टेंट पटता टेंकी भी मुलापुर थाने विच लै गए टेंट का समान लै गए और जदों ये गल का पता बापू जी के घर सानूं बैठिया नूं लग्या तो भाई सुरेंद्र सिंह जी खालसा गुरमत प्रचार सेवा लहर जथा ठीकरीवाला के मुख सेवादार भाई भवनदीप सिंह जी और भाई भाई बिल्लू जी सारे इत्थे बैठे सन और मैं संगतां नूं बेनती की भी संगत जी ये गल नूं संगत तक लैके जाना और किस तरह लैके जाया जा सके। संगत ने आख्या भी अखबारों से आप जिस तरह जिम्मे तुम तो चंगा ला तुम हुक्म करो तो मैं बेनती की भी मैं टेंकी ते चढ़ के जिन्ना चिर प्रशासन माफ़ी नहीं मंगता ज प्रशासन कोई इस गल की गलती नहीं मनता उन्ना चिर मैं टेंकी तो नहीं उतरांगा। और इन्हां सारे सिंघां ने गल आखी भी सानू तेरे जज्बे का सानू तेरे भरोसे का पूरा माण आ सानू पता कि तू मोर्चा विचाले नहीं छड्डेगा। और इन्हां सारिआं ने मैनूं थापड़ा दिता सतगुरु महाराज जी अगे अरदास बेनती करके जो 7 तरीक नूं तकरीबन 8:30-9 बजे वे सीगे जदों पानी वाली टेंकी ते चढ़िया और घंटे दे विच नगर की संगत पंचायत इलाके की संगत वड्डे रूप दे विच इत्थे पहुँचनी शुरू होई अते 7 तरीक नूं मोर्चा लग्गिया। 8 तरीक की सवेर होई सवेरे सरबजीत सिंह इंस्पैक्टर ने सवेरे आउंदे ही सब तो पहला उत्थे गेट बंद करता भी जिहड़े अंदर ने वह अंदर रहन जिहड़े बाहर ने वह बाहर रहन। अते भाई सुरेंद्र सिंह जी खालसा जी ने पुछया भी इहदा कारण की आ कहिंदे कारण बस यही आ असीं इत्थे अंदरलिआं नूं अंदर रखणा वह बाहरलिआं नूं अंदर नहीं आउण देणा। ते जो सिंह मेरे वास्ते सवेरे चाह लै के आउंदा सी उहनां नूं कहता भी तुसीं रुक जाओ उहनूं सवेरे कुछ नहीं देणा ना उहनूं चाह ना रोटी ना पानी सब बंद कर दित्ता तहां तों हुक्म आया। और भाई सुरेंद्र सिंह होरां ने डट के उहनां दा विरोध किया और सरबजीत सिंह ने आख्या भी विरोध ना करो ज़्यादा टप्पो ना मैं तो हवा भी नहीं लंघन जानता। फिर ये गल जो संगत को पता लगी बीबिया पता लगी तो बीबिया ने आके बहुत नगर दी पंचायत ने नगर दिया बीबिया ने आके विरोध किया सिख संगत ने विरोध किया। फिर उन्हें पहला तो संगत को सॉरी की फिर दूसरे दिन जो रात अज सवेर की खिचोतानी चली जाती सी तो प्रशासन ने यह गल कहती कि असी लिखती रूप दे विच मीडिया के सामने माफ़ी मंगते हैं। तो अज DSP रंधावा ने सॉरी मंगी नगर की पंचायत ने संगत ने संघर्ष कमेटी के कुछ आगुआ ने और भाई जसपाल सिंह जी हीरा पहरेदार के जेडे मेन ने कौम के हीरे ने उन्होंने आके मैनू हुक्म किया और माणयोग होर सत्कारयोग संगतां ने कहा भी हुणे सारी माफ़ी मंगते ने गे सारी छबील की जिहड़ी पुट पटाई हुई आ असी माफ़ी मंगते ने प्रशासन लिखती रूप च मीडिया के सामने माफ़ी मंगता संगत तुहानू हुक्म करती है कि तुसी पानी वाली टेंकी तो वापस आ जाओ। तकरीबन 3 बजे मैं वापस आया सा अज जो 3 बजे वापस आया तो मीडिया वाले ने स्पैशल जा भी इदा थोड़ा जा जे जे गलती हुई है जी जे आप माफ़ी मंग लें जी स्पष्ट ना हुई संगत ने विरोध किया। तो फिर दोबारा जो मैं नीचे आ गया 20-25 पौड़ियां रहिंदियां सी संगत दे रोह नूं देखदे उन्हां दे गलत फैसले नूं देखदे मैं फिर वापस टेंकी दे उपर चढ़ गया सी। तकरीबन 3 घंटिया तो बाद प्रशासन ने आपदे द्वारा आ के मीडिया के सामने सॉरी मंगी कि असी फील करदे इस तों बाद कोई गलती नहीं होगी असी नगर हसनपुर दे विच आउण वालियां संगतां नूं किसे तरह की परेशानी नहीं देवांगे
बापू जी के घर बेढ़े हुए संघर्ष में किसी तरह की भी असी दखल अंदाजी नहीं करांगे और उन्होंने सॉरी फील की संगत के हुक्म के नाल मैं अज तकरीबन 8 बजे पानी वाली टैंकी तो हेठा उतरिया जी। जिस तरह के सानू पता लगे जदों तुसी उपर सी तां तुहाडी सेहत भी खराब हो जाती सी ते बापू जी ने रोस वजों जिहड़ा जल छड़ता सीगा ते वह जल छड़न दा के पुलिस ते भी दबाव बनिया कि बापू जी ने जल छड़िया ते बापू जी की तमन्ना सी कि मेरे को भाई अमृतपाल सिंह मिलन आवे ते जो तुसी फिर टैंकी उतरे तुसी बाद च फिर उन्होंने मिलन गए ते तुहाडी बापू जी दे नाल फिर गलबात होई कोई? मैं हुणे हुणे बापू जी दे कोलों आया, बापू जी ने जल भी छड़ता सीगा जिस नूं मेन रखदिया होया बापू जी नूं जाके मैं अपने हत्थी जल छकाया तो बापू जी ने थापड़ा दिता। चढ़दी कला की अरदास भी की, सतगुरु अगे भी सतगुरु कृपा करो इस नौजवान चढ़दी कला बख्शो। जिस तरह अगे भी कौम दे विच जिस जे प्रशासन ने ज सरकार ने किसी भी प्रकार का धक्का किया तो असी आप दियां सरगर्मियां नूं इत्थे समाप्त नहीं करांगे। अगे कोई भी गतिविधि हो सकती है, कोई भी संघर्ष नूं अगे तेज़ करन वास्ते कोई भी कार्रवाई हो सकती है। पर एक गल मैं संगत नूं दसना चाहुंदा जो अज मैं एक ऐलान किया सीगा वी कल नूं 12 बजे तक अल्टीमेटम दिता सीगा वी जे 12 बजे तक मेरी गल नहीं मन्नी जाऊगी तो 12 बजे उस तों बाद 12 बजे मैं टैंकी तों सलाह लगा देनी है। पर प्रशासन ने 12 बजे तो पहला जिहड़ी मंग सीगी पूरी कर ली। जो बापू जी नूं मिल के आया मैं हुणे बापू जी की हालत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा नाजुक आ और मैं देशों विदेशों की संगत नूं भी जो जो भी सिख चैनल वेख रहा सारी संगत नूं निम्रता सहित बेनती करदा अंतम समां गा अंतम पड़ा गा जिन्हें भी बापू जी के दर्शन करने आ वो हीरो हार्ट होस्पिटल लुधियाणा विखे पहुँच सकते हैं जी। भाई अमृतपाल सिंह जी तुसी बापू जी के संघर्ष बारे तुसी अपना संघर्ष कामयाब होए तुहाडा सिख चैनल दे नाल गलबात करन दे तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋੜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਲ ਇਹ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਸੰਸਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ कमजोरी हो चुकी सी भी धुप्प नाल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो वेस्ट हो रही सी ते धुप्प दे नाल भाई साहब दा शरीर एकदम टुटे टुटे महसूस हो रहा सी ते भाई साहब दियां दो टाइम शरीर दी मालिश कीती जांदी सी तां अज सवेरे जद मैं भाई साहब कोल बर्फ लेके जा रहा सी तद मैनू पुलिसमैन ने एक ने कहा कि आपां भाई साहब नूं थले उतार लईए ते मैं उहनूं उसदा डांटवां जवाब दिता कि मेरी रहता यह आ कि मैं भाई साहब तो हले माड़ा जहा थले बैठे ने ते मैं जमा टीसी ते जाके बह जावा तो एक चुप कर गया ते फिर सानू कहिंदा भी बर्फ लेके तुहानू तां नहीं जान देना ते असी क्या भी ठीक है जी भी हुण तुसी सानू बर्फ लेके जाण नू आप खुद बाज मारोंगे ते हुण तुसी मना कर रहे हो। फिर असी जाके जो साइड ते खड़ गए तो 5 मिनटां बाद उन्होंने सानू बाज मारी कहिंदे भी जाके बर्फ दे के आओ। उही प्रशासन जिहड़ा कहिंदा सी असी तां हवा नहीं लंघन देनी वह साडियां मिहनतां कर करके फिर भाई जी साहब कोल जी समान भेज रहे सी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतिह। इस वक्त मेरे नाल बैठे हैं बापू सूत सिंह जी के बेटा जी गोगी जी ते दूसरी साइड ते बैठे हैं सरदार मलकीत सिंह जी जो गोदरा समैतक दे इंग्लैंड दे प्रधान हैं। सब तो पहला मैं फतेह सांझ पाऊंगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जिहड़ा अमृतपाल सिंह जी ने टैंकी उपर चढ़ के रोस किया तो उस दे संबंध में बापू जी ने भी अज पता लगा कि उन्होंने जल भी जिहड़ा लेंदे सी वह भी छड़ता तो तुसीं संगतां नूं की दसना चाहुंदे? भाई अमृतपाल सिंह 2 रोज तो 7 तरीक तो सवेरे 9 बजे तो टैंकी दे उत्ते चढ़ गए सी जाके उहदा कारण इह सीगा वी उस दिन मॉर्निंग ऑरबिट बसां दा घराओ होना सीगा कमेटी दे सद्दे ते हसनपुर दे राह ते ते पिंड हसनपुर दे राह ते अर्ली मॉर्निंग 7 बजे पुलिस आई ते उहनां ने आ के उत्थे जिहड़े पोस्टर वगैरह लगे सी ते बलटोआ इधर झबाल कोल पैंदा तरन तारण च उत्थों संगत आई हुई सी कोई दमदमी टकसाल दे सिंघ सीगे जिन्हां ने छबील लाई हुई सीगी उत्थे ते उहदे कारण करके उन्होंने उन्हां दे सारे टेंट वगैरह उन्हां दा जिहड़ा पानी वाला टैंक सी उहो ते सारा पुट के उत्थों ते इन्हां नूं बच्चियां नूं जिहड़े उत्थे छबील ला रहे सी उन्हां दे नाल धक्का भी कीता उन्हां ने
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਛਬੀਲ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛਬੀਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਕੋਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛਬੀਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹਸਨਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਛਬੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਐਵੇਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਬਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਟੈਚੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਛਬੀਲ ਦੀ ਟੈਂਕ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ते मोर्चा रंभिया है इन्नी बड़ी बड़ी चढ़ती कला के फुटिंग हर वेले जो दिखाते हैं इन्हां नाल जो संगतां नूं विदेश दियां संगतां ते इत्थे दियां संगतां नूं काफ़ी उत्साह मिलता है। यह जो जो सिख चैनल है इन्हां दा बहुत बहुत बड़ा उपराला है। संगतां नूं अपील करदा हां वध तों वध इहदी सपोर्ट करनी चाहीदी है तां जो इह हमेशा चढ़ती कला विच जावे। दूसरा मैं संगतां नूं अपील करदा हाँ जो साडा अधूरा मोर्चा है उसकी सफलता लई आपां सारिआं ने रल के बापू जी दा जो मोर्चा रंभिया है उसकी सपोर्ट करनी है तां जो वह मोर्चा फतेह हो सके। भाई साहब जिस तरह आपां सुणिआ वी इंग्लैंड दे विच जिहड़ियां संगतां 6 जून नूं इकट्ठियां हो के गईआं उत्थे ते पूरे इंग्लैंड दे विच संगतां गईआं, तुसीं उस बारे की कहना चाहुंदे? इंग्लैंड दे विच 7 जून नूं जो ऐतवार वाले दिन लंडन हाइड पार्क दे विच 1 लाख दे उपर जो हर साल जो जून दे विच सिखां ते एक बहुत बड़ा जख्म 1984 च कीता गया सी उस दी याद विच जो लंडन बड़ी धूमधाम दे नाल चढ़दी कला दे विच उह जो रोस मुजहरा कीता जा रहा है वह रोस मुजहरा 31 साल अज हो चले हैं पर सानू सरकारां तों अज तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया। असी उड़ीक करदे हाँ कदों सानू वह इंसाफ मिलेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਮੈਤਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ 8 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 8 ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। 8 ਤੋਂ 10 ਕੋਚਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮੈਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 3 ਕੋਚਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। सरदार मलकीत सिंह जी तुसीं सिख चैनल अपने विचार दसे, ढाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।